आज हम बात करने जा रहे हैं कीपिंग कंपनी मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर पसंद आने वाली है, और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें सनी और नोवा नाम के दो इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉय को दिखाया जाता है जो एक मैरिड कपल को अपने इंश्योरेंस खरीदने के लिए कन्वेंस कर रहे होते हैं। हालांकि जब नोवा इस चीज में नाकामयाब हो जाता है तो सनी उस कपल से बात करता है और उन्हें अपना इंश्योरेंस खरीदने के लिए किसी तरह से कन्वेंस कर लेता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि सनी के डैड सनी के काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक बहुत ही छोटा अमाउंट सैलरी के रूप में कमाता है। नेक्स्ट सीन में हमें लूकस नाम की आदमी को दिखाया जाता है जिसने अपने घर में एक आदमी को बांध कर रखा हुआ था, और जब लूकस उस आदमी को खाना देता है तो वो आदमी किसी जानवर की तरह उस खाने को खाने लगता है। फिर हमें इंश्योरेंस कंपनी को दिखाया जाता है जहां पर एक लेडी अपने हस्बैंड के मरने के बाद क्लेम करने के लिए आई होती है, लेकिन वहां मौजूद एम्प्लॉय उसे कहते हैं कि अब तक तुम्हारे हस्बैंड की डेड बॉडी नहीं मिली है, इसलिए अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि तुम्हारे हस्बैंड मर चुके हैं। हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा हो, इसलिए अभी तुम्हें ये क्लेम नहीं मिल सकता। जिसके बाद हम कंपनी के ओनर पोला को देखते हैं जो सनी को ऑफिस में बुलाती है और उससे कहती है कि तुमने पिछले महीने अच्छा काम किया इसलिए तुम्हारा प्रमोशन हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पिछले महीने से डबल इंश्योरेंस करवाने होंगे, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो ये प्रमोशन किसी और को दे दिया जाएगा। इसी वजह से सनी अपने पार्टनर नोवा के साथ लोगों का इंश्योरेंस करवाने के लिए उनको हर तरह से कन्वेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन इस चीज में वो दोनों ही पूरी तरह से नाकामयाब दिख रहे थे। तभी रास्ते में लूकस से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस बात से वो दोनों ही उस पर काफी गुस्सा होते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा इंश्योरेंस है, जिस चीज के लिए लूकस मना कर देता है। इसलिए वो दोनों उसे इंश्योरेंस के लिए जबरदस्ती कन्वेंस करते हैं। फिर जब वो उनकी बात नहीं सुनता तो वो लूकस का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं और जबरदस्ती उसके घर के अंदर तक घुस जाते हैं। उसी दौरान हमें लूकस की ग्रैंड मदर को दिखाया जाता है जो लूकस से कहती हैं कि तुम्हें इनके साथ भी वैसा ही करना है जैसा तुम बाकी लोगों के साथ करते हो। हालांकि लूकस इस चीज के लिए पहले तो मना करता है, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि तुम्हें इस घर के रूल्स को फॉलो करना ही होगा। जिसके बाद लूकस उन दोनों के पास पहुंच कर किसी भी इंश्योरेंस को लेने से साफ इनकार करता है और कहता है कि ग्रैंड मदर इस चीज के लिए तैयार नहीं है, जिस चीज से सनी काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने हमारी गाड़ी तोड़ी और हमारा इतना टाइम वेस्ट किया और अब तुम इंश्योरेंस लेने से भी मना कर रहे हो, जिस चीज से उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। और उसी दौरान लूकस उन दोनों के पैर को जंजीरों से बांध कर उन्हें बेसमेंट में लॉक कर देता है। यहाँ पर हम देख सकते थे कि लूकस की ग्रैंड मदर उसे बहुत ज्यादा डरा कर रखती थी, यहाँ तक कि लूकस को उनके कमरे में जाने की परमिशन भी नहीं थी। फिर लूकस बेसमेंट में पहुंच कर सनी और नोवा की पर्सनल चीजें लेकर वहां से चला जाता है। इधर हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि नोवा और सनी के पर्सनल सामान के जला हुआ मिलने की वजह से सबको ऐसा लग रहा है कि वो दोनों मर चुके हैं। जिसके बाद हम लूकस को देखते हैं जो सनी और नोवा के लिए ब्लैंकेट लेकर पहुंचता है। ये देखकर नोवा काफी खुश था, जिस वजह से लूकस नोवा के साथ बैठकर बात करता है। लूकस नोवा को बताता है कि मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं उन्हें कभी देख नहीं पाया क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर का ऐसा कहना है कि वो बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई थी और इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसी वजह से उन्होंने यहाँ बेसमेंट में आकर खुद को शॉटगन से शूट कर लिया। ये सब सुनने के बाद नोवा उसे भी अपनी गर्लफ्रेंड और अपने होने वाले बेबी के बारे में बताता है, साथ ही उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, पर लूकस ऐसा नहीं कर सकता था। इस वजह से वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद लूकस की ग्रैंड मदर उसे लोगों को पकड़ने के लिए भेजती है, लेकिन वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाता। और घर आने पर नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी ग्रैंड मदर किसी को ना लाने पर काफी गुस्सा होती है। हालांकि लूकस खुद को बचाने के लिए कहता है कि वहां पर कोई था ही नहीं, पर उसकी ग्रैंड मदर समझ जाती है कि लूकस झूठ बोल रहा है, इसलिए वो कहती है कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो ये काम करना ही होगा। फिर हमें इंश्योरेंस कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहां पर नोवा की गर्लफ्रेंड पोला से आकर बात करती हैं, और जब पोला को इस बात का पता चलता है कि नोवा की गर्लफ्रेंड को नोवा के इंश्योरेंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उससे इस चीज को रिटर्न में लिखकर मांगती हैं ताकि उसे किसी भी तरह का नोवा के लिए कोई क्लेम ना देना पड़े। उसी दौरान सनी के फादर भी ऑफिस में पहुंच जाते हैं जो अपने बेटे का मरने का क्लेम मांगते हैं, लेकिन पोला इस चीज के लिए इनकार कर देती है, जिस बात से गुस्सा होकर सनी के फादर धमकी देकर वहां से चले
चले जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि पोला अपने दो पार्टनर के साथ मिलकर बड़े क्लेम के साथ फ्रॉड करती है। हालांकि कहीं ना कहीं उसके पार्टनर को ये सारी चीजें गलत लगती हैं, लेकिन पोला कहती है कि हम ये सब को संभाल लेंगे और वो उन दोनों को सनी के फादर मिस्टर रेडी पर नजर रखने के लिए भेजती है। जिसके बाद रात में लूकस फिर से नोवा से बात कर रहा होता है, तभी नोवा लूकस से बाहर निकलने के लिए पासवर्ड पूछता है। हालांकि लूकस उसे पासवर्ड बता ही रहा होता है कि अचानक से सनी लूकस के सर पर एक भारी चीज से अटैक कर देता है और चाबी लेकर खुद को आजाद करके वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन बेसमेंट से बाहर आने के बाद उसे पता चलता है कि सारे खिड़की और दरवाजे पूरी तरह से लॉक है और उन्हें कोड की हेल्प से ही खोला जा सकता है। इसलिए नोवा उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम यहाँ से लूकस की हेल्प से ही निकल सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी यहाँ पर अपनी ग्रैंड माँ की वजह से ट्रैप है और तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए क्योंकि हम बहुत ही अच्छे दोस्त और पार्टनर हैं। लेकिन ये बात सुनते ही सनी उससे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारा बॉस बनने वाला हूँ। ये कहने के साथ ही वो उसके पेरेंट्स को अब्यूज करने लगता है, जिसे सुनकर नोवा और सनी में झड़प हो जाती है और इस दौरान सनी चाकू की मदद से नोवा को मार देता है। फिर वो चुपचाप ग्रैंड मदर के रूम में पहुंचता है, जहां उसे टीवी में दिखाई देता है कि उनके पूरे घर में बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगह पर कैद करके रखा गया है और उन सभी की कंडीशन हद से ज्यादा खराब है। इस दौरान पूछने पर लूकस की ग्रैंड मदर कहती है कि ये सभी फूड सप्लाई है। ये सुनकर सनी बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी ग्रैंड मदर एक गन की मदद से सनी को फिर से अपना बंदी बना लेती है और लूकस से सनी को वहां से ले जाने के लिए कहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड मदर नोवा की बॉडी के टुकड़े करके उसका मीट निकाल कर उसे शॉप्स में सप्लाई करती हैं और वही मीट मिस्टर रेड्डी भी अपनी शॉप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे बनी हुई चीजें लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। इसी दौरान हमें मिस्टर रेड्डी की झलक दिखाई जाती है, जो एक लोन लेना चाहते हैं, जिसके डॉक्यूमेंट्स लेकर वो घर से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ सनी के पास लूकस आता है और कहता है कि तुम्हें ग्रैंड माँ ने बुलाया है, जिसके बाद वो उसे टेबल पर बांध देता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर रेड्डी पर नजर रख रहे पोला के पार्टनर घर में घुसकर घर की तलाशी लेने लगते हैं, जहां पर उन्हें लोन एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि मिस्टर रेड्डी अपने लोन को फुलफिल करने के लिए ही अपने बेटे का क्लेम मांग रहे थे। तभी उन्हें घर के अंदर किसी के आने का एहसास होता है, जिस बात से वो दोनों ही काफी घबरा जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लूकस टीवी की आवाज सुनकर जब अपनी ग्रैंड मॉम के रूम में पहुंचता है, तो वहां उसे न्यूज में देखकर पता चलता है कि एक आदमी इलेक्शन लड़ने वाला है और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि मैं नहीं चाहता यहाँ किसी के साथ भी ऐसा हो जैसा मेरा साथ हुआ था, क्योंकि बचपन में मेरी बेटी गायब हो गई थी। इसी दौरान वो अपनी बेटी की फोटो भी दिखाता है, जिसे देखकर लूकस काफी हैरान था, क्योंकि उस फोटो में कोई और नहीं बल्कि वही लेडी थी जिसे उसकी ग्रैंड मदर ने उसकी माँ कहा था। तभी वहां पर ग्रैंड माँ आ जाती है, जिसे देखकर लूकस काफी गुस्सा होता और कहता है कि तुमने आज तक मुझसे झूठ कहा, तुम चाहती तो मेरी मॉम की मदद कर सकती थी। पर ग्रैंड माँ उसकी बातों को इग्नोर करके उस पर अटैक करके उसे भी बेसमेंट में बंद कर देती है, जिसके बाद वो सनी के पास पहुंचती है और कहती है कि तुम्हें इस बात का आइडिया भी नहीं है कि हमें मीट को अच्छा बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर वो सनी की बॉडी से मीट निकालने के लिए उसके पास पहुंचती है, तभी लूकस भी अपना हाथ तोड़कर खुद को आजाद कर लेता है और ग्रैंड माँ के पास आकर उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि इस दौरान लूकस बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो ग्रैंड माँ को बूचर नाइफ की मदद से बेरहमी से मार देता है। इस मौके का फायदा उठाकर सनी भी अपनी रस्सी काटकर एक शॉटगन लेकर लूकस का दरवाजा खोलने के लिए कहता है। हालांकि लूकस दरवाजा तो खोल देता है, लेकिन वो जिंदा नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो सनी से खुद को शूट करने के लिए कहता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता और हमें इंश्योरेंस ऑफिस को दिखाया जाता है, जहां पर सनी खून में भीगा हुआ बहुत ही बुरी हालत में पहुंचता है और अपनी बॉस पोला से प्रमोशन मांगता है, जिस चीज के लिए वो तैयार भी हो जाती है। तभी पोला के पास उसके पार्टनर का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उनके हाथों मिस्टर रेड्डी का खून हो गया है। ये जानकर वो उन्हें वो सब कुछ साफ करने के लिए कहती है, जिससे सनी को इस बारे में कुछ भी पता ना चल सके। वहीं सनी भी अपने फादर को कॉल करके बताना चाहता था कि अब उसे प्रमोशन मिल गया है और अब वो उस पर जरूर प्राउड फील करेंगे। वहीं पोला अपने ऑफिस में अपने एक पार्टनर को बताती है कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए था, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात थी, जिससे हमें पता चलता है कि इस बात से पोला काफी खुश है। मिस्टर रेड्डी मारे जा चुके हैं, साथ ही सनी भी वापस आ गया है, इसलिए अब उसे किसी भी तरीके का कोई क्लेम नहीं देना पड़ेगा। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।